अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, और काफ़ी डिटेल है इसमें जो मैं इतनी जल्दी में दिखा नहीं सकती हूँ। और ये इसके बटन्स हैं कुछ इस तरह से, छन 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 छन। ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है और ये ब्रांडेड है। ये इस तरह से इसको, ये भी लगी हुई है लेस। ये इसके ट्राउज़र के पाइंचे हैं, ठीक है, ये बाद में बताती हूँ। ये इसका दुपट्टा है, हाँ ये इसका दुपट्टा है, और ये कुछ इस तरह से इसका है लुक। ये नेट नहीं और ऑर्गेन्जा है, और ये इसके स्लीव्स हैं। तो ये मेरी रिंग है, ये साथ में है, ये भी साथ में है, और ये ईयरिंग्स हैं, और ये मेरी नेल पॉलिश हैं। लगाती कम हूँ लेकिन चलो लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये लुक है। बाकी अब आपको पहन के दिखाऊंगी मैं, आई मीन जितना भी दिखा सकी। इसके साथ मैंने जूता लिया था शूज़ ऑन से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो लोग आज ईद कर रहे हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप सो आप सब लोग अच्छे से ईद मना रहे होंगे, और गोश्त भी और गोश्त की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छे से ट्राई कर कर के एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे होंगे, और मेहमानों की आमदरफत भी होगी, और शुगर मेले भी लग रहे होंगे। तो जी हाँ, ये है यहाँ की परदेसियों की ईद। तो परदेस में ऐसे ही ईद होती है, काम और स्कूल से बदोबदी छुट्टी करनी पड़ती है, और अगर ना छुट्टी करें तो फिर भी कोई गल नहीं, सेम सेम ही होती है ईद, भावें काम पर चल जाओ तो भावें ना जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बच्चों ने कहा था जी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बस क्योंकि घर पे कोई दूसरा है नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना सड़कों सड़की। तो ये हमारी सड़कों सड़की वाली ईद है। हाँ तो अभी हम लॉक लोमर से आइसक्रीम खा के वापस आ जाएंगे। नहीं, लॉक लोमर की आइसक्रीम तो मैंने पता नहीं अच्छी है कि नहीं, अच्छी थी लास्ट टाइम। अच्छा, नहीं लास्ट टाइम हमने मदरवेल से खाई थी, लॉक लोमर की खाई थी। अच्छा चलें देखते हैं कि उधर हमने आइसक्रीम खाने जाना है, लेकिन उधर खबरों के मुताबिक उधर बारिश बताई हुई है। बारिश हुई तो मैं तो नहीं निकलना, मैं पाई नवी जुती ते ओ मैं गिल्ली नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रेनर्स पहनती हूँ क्योंकि और वो ही मेरे पाँव को सूट करते हैं। आज मैं बस जूती पाली, मैं क्या गड्डी ची रहना। अच्छा, और सबने हमने खाना खाया, तैयार हुए हैं। ज़्यादा टाइम मेरी अखा से लगा क्योंकि ख़राब हो जाती हूँ ना, छोटियाँ ना उन्होंने व्डा कर दें, टाइम लगता। आईलाइनर तो मेरा सारे सूख गए थे, फिर मैं सूट देते हूँ। वो मैं एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, बाद में साल साल यूज़ ही नहीं होते, तो फिर वो ड्राई हो जाते हैं। तो बस फिर आई शेडो ना काम चला लिया, पेंसिल भी नहीं मैनू लभी। अच्छा, आप सब ने खाना खाया था ईद का, कैसा लगा आपको? गुड। नहीं, नेक्स्ट भी बना दूंगी, डरते हैं ना बोलो। जिन्हें सब तो पहले गुड किया ना, उसकी स्टोरी ये है के उन्हें खाता ही नहीं है ना, उसने खाया है ये वाला। अच्छा हाँ, इसने खाई सूखी रोटी ऊपर बटर लगा के, क्योंकि ये लैम शैम नहीं खाती, ये चिकन और आ जाके आलू, आलू ते चिकन।
तो ना दाल ना सब्जी ना कुछ, या फिर मैं वो हलवा कद्दू देती हूँ वो खा लेती है, स्पिनिच भी खा लेती है। स्पिनिच आलू दे उत्ते लगी हुई है ना, तो उतार उतार के फिर उन्हें खानी, यानी खाना आलू ही है। चुप कर गई, एड्रेस दसी जाती साडा। और इसने खाए थे आलू और बस सूखी रोटी, और भी डिशेस थी, और सबसे पहले वही बच्चा बोला है जिसको पता ही नहीं है कि वो और पकया की थी। छोटी वाली को पता है, छोटी आपको कैसा लगा? यम्मी। तंदूरी चॉप, हाँ तंदूरी चॉप जो थी वो मतलब चांपे रोस्ट की थी। नहीं नहीं नहीं, चुप कर। गूगल वाली किस दिन सारिया ना साडे घर ले आऊगी। अच्छा, और आपको कौन सा अच्छा लगा? बाबा से पूछे, सब कुछ ठीक था। तो अभी जब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह है लॉक लॉमेंट जा रहे हैं। और अगर बारिश ना हुई तो बाहर निकल के आपको वो सारा भी दिखा देंगे। अभी आप ये वाली खूबसूरतियाँ देखें, और असी भी सोहने लग रहे हैं, लेकिन असी दिखा नहीं ना सकते, असी अपने आप नू आप ही सोहने लग रहे हैं। हाँ, हमारे बड़े कहते हैं कि नहीं, वो जो इतने भी यूट्यूब पे आते हैं ना, वो सारियाँ फैमिलियाँ नज़रां लग जाती हैं, लगती भी हैं। तो क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो तीसरा चौथा पांचवा देख रहा है या सुन रहा है उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हों, वो सारी सारी नहीं किसी हद तक हो, तो उसके दिल में तो वो बात आ जाती है ना कि मेरे पास भी ये होता है बाज़ दफ़ा हसरत से या बाज़ दफ़ा हसद से, तो कहीं ना कहीं पे आप जो ना थोड़ा शिकार हो जाते हो। तो ये वैसे भी नज़र और ये सारी चीज़ें तो बरहक हैं, है ना, तो लग जाती है। इस तरह ने भी नज़रों की जद जा, क्योंकि बाहर आले हैं ना, बाहर आले जड़े होते हैं ना, वो बेचारे भावे एक टाइम रोटी खा के सोन, वो बाहर आले बड़ी ऐश में होंगे है, तो वो बाहर वालों पे बड़ी नज़र होती है। एवरी टाइम जब भी हॉलीडेज करते हैं तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हाँ, हम जब हॉलीडेज में जाते हैं तो फिर हम पूरा महीना डेढ़ महीना ना ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, और एमरजेंसी में जा रहे होते हैं। हाँ, इतनी ग्रीनरी है माशाल्लाह, और हवा भी अच्छी चल रही है, धूप है, इस तरह की गर्मी का मज़ा आता है कि मीठी मीठी धूप हो, ठंडी ठंडी हवा हो, नवा सूट पाया हो, सारे वाली छुट्टी हो गए। वीवर्स है, मैं आज अपने बंदे ना नहीं बोलती। क्यों? मैं अपने बंदे नू आज क्या मेरे नाल दा सूट पाऊ? मेरे बेटी मैच कर लिया, बेटियों ने तो मैच कर लिया। ये देखो ब्लैक, ब्लैक नहीं है उसको कोई, मैंने मैच भी नहीं, अन्ना भी ब्लैक नहीं कहता। हाँ, साइन कलर का टॉप पहना और डार्क ग्रे जी ट्राउजर पहन लिया। पंजाबी च दस दी सरमई रंग की पेंट ते कद्दू रंग की टॉप पाई। हाँ, ये कितों मेरे ना मैच होगी? मैं बनी हाँ काली चिट्टी। ठहर जाओ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या बनी हूँ। ऐसे दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरा सूट है, ये हैं, ये इसके साथ बैंगल्स इसलिए नहीं पहनी कि मैनू वक्त प्यार है ना, ठीक है। ये बेल्ट लगी है, यह बेल्ट है गड्डी दी, सीट बेल्ट है, इन कुछ और ना समझ लिया। तो ये मैंने लिया था सूट, कितों लिया सी उन्हें, कड़ा मैंने अगो देना ही स्पॉन्सर।
सना सफी नाज का सूट है और स्टिच करवाया था, ठीक है, और ये मैचिंग हो रही है मेरे ना, कितने कितने मैचिंग हो रही है? नहीं, हाँ ये बताएं जी मुझे, ये कहाँ से मैचिंग हो रही है? ये मैं इनके साथ मैच कर रही हूँ? नहीं ना कर रही है? कड़ी भी ऑलिव कलर की पा ली है दीदी, मैं ही सी वैसे सोनी भी है। चलो हम वापस चलिए थे, पहनने होते हैं कुछ 6 महीने बाद सूट पा के मेकअप का सूट, कपड़े पहन लेती हूँ, फुल तैयार नहीं होती, यानी कि मेकअप या हेयर जो स्टाइल है कुछ भी, तो कभी कभी मूड होता है, कभी कभी इतना टाइम मिलता है कि थकावट नहीं है तो चलो थोड़ा या अपने तो टाइम ला लो, तो फिर मैंने मुझे होता है कि तस्वीरें बना लो, मैं कहनी फटाफट तस्वीरें बना लो, 6 महीने बाद फिर आनी है बारी, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप सूट पहन लो, मैं तो फिर 6 महीने बाद पाना है, मतलब तैयार होना इस तरह से फुल, लेकिन नहीं मेरा दिल तोड़िया ईद वाले दिन, साड़ी का दी ईद इन्हों की ईद है, कल मुस्करा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी के कपड़े पाए है। हैप्पी बर्थडे। और मेरी बेटी ने कहा था मामा मैं पहन रही हूँ आपके साथ मैचिंग करके, मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकती, मां जू हुई माँ तो फिर माँ ही होंगी, मैं दिल टूटा भी नहीं, टूटते हैं दिल ना, दिलों के टूटने की आवाज नहीं आती, टूट पच जाते हैं, बस दफा तो प्लास्टिक की गुड्डी तरह मुचड़ भी जाते हैं, क्या तो फिर आपके क्यों इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे होते, कोई बात करो तो दिल टूटता तो निकलते ना, अच्छा टिशू आप बता सकते हैं कि आपके भी जो घर वाले हैं, घर वाला आपके साथ ऐसे ही करता है, फिर पता ये क्या कहते हैं, ताड़ी मन्नी दी है, सबूत में देता कि मेरी मन्नी नहीं गई, एक मिनट कल पाया ही तुसी लाइलैक सी, मेरा तो कल मूड ही नहीं सी, कल बारिश थी सारा दिन और मैंने करने थे किचन के काम, या तो फिर वो कोई समझ ले कि ये ऐसे करना है, वो सारे मैंने ही करने होते हैं जब तक बच्चे छोटे हैं, तो और फिर अगर तैयार हो लो तो अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने तो भी घंटा लाओ तो 2 घंटे किचन चलाओ, तो आज चूंकि मेरा नहीं था इस तरह का किचन वाला हिसाब किताब, खाना पड़ा हुआ था तो सब ने वही खाना है, जिस तरह भी मतलब के कबाब पड़े हुए हैं, टिक्का पड़ा है, चांपे पड़ी हैं और लैम कढ़ाई पड़ी है और बिरयानी भी पड़ी है, रायता शायता हर चीज़ पड़ी है, तो अब हम खैर नज़दीक पहुंच गए हैं तो उधर जाके आपको नज़ारे कराते हैं। ये हम एक विलेज में आए हैं और हाँ लस में, हाँ तो वो विलेज साइड बन जाती है, तो उधर लेक भी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उधर अक्सर आते हैं, मुझे वैसे यहाँ लेक ही पसंद है, और लस में आए हैं आज फर्स्ट टाइम, और उधर जो है ना एयर बीच वो बहुत गंदा है, वो नहीं मुझे पसंद, उसको मैं नहीं क्या कहते रेकमेंड करती, और ना ही मेरा उसके रेटिंग है तो इस चीज़ की है, लस आए आप, लॉक लॉमर्ड आए, लेक पे लॉक नेस भी है, हाँ तो यहाँ पे आए आपको इतने प्यारे प्यारे पिंड मिलेंगे, घर मिलेंगे, और बीच भी बहुत, बीच है कि लेक है, लेक है
बीच ही है ना, हाँ, ग्रीन बीच पे। मतलब काफी ज्यादा सफाई है, ग्रीनरी है और मजेदार हवा होती है और बिल्कुल पुरफजा मकान। अगर जो यहाँ पे रहते हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे विजिट करना है, तो उनके लिए भी मैं ये रेकमेंड करूँगी कि वो यहाँ पे जरूर विजिट करें। ये ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल ग्लासगो से 20 मिनट की ड्राइव है। गड्डी खराब हुई पड़ी है उनके बेचारे। फिर आ गई है वो, बाकी भी अभी आ गए। अब वो सारे आ गए हैं, तो दो ए मैंने तो खा भी नहीं पी, मैंने कौन लाता है तो दे गो फ्लाई दैट्स सो ग्रीडी नो दैट्स फ्रॉम वन टू ही डिडंट ईट नो नो यू नो यू ब्रो दैट्स सो ग्रीडी दैट्स टेक इट गेट मूव 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 आई need a one down ja okay dhyan se jai main nahi ja rahi aap jao ye stone ko hold karo isme ye bataya ja sakta hai na ye clean beach hai jo humne kaha tha ha ye dekho pani ke andar wo stone nazar aa rahe hain isme मोमबत्तियां तरह लगे हैं। वो सारे उधर इकट्ठे हो गए हैं, वो सारे उधर इकट्ठे हो गए खाना आया। मैंने उसको लाइक 7 पीसेस ये देखो, ऐ पाकिस्तान वाले तो तरसते होंगे इस टाइम इस वैदर नू। उन्होंने भी बारबेक्यू खाने हैं, वैदर ही नहीं अच्छा, गर्म बहुत है। ये क्रोकोडाइल नहीं लग रहा, ये स्काई है ना, मुंह खोला हुआ। अच्छा, जो स्काई के हिसाब से शेडो उसके अंदर आता ना, उसी तरह बेल बूटे बने हुए। Looks holographic.
He wants to jump in the water. Is this electric? वो देख वो बोट गई मेरी लेके तो वो वापस लेके आ गया ना मेरे बताया था बोट लेके गई मेरी देन ही लोग तो बोट है विच इज द बोट Can you not jump on me? Okay. I don't want this one has the enemy. What do you mean it's ugly? They're all the same. I know you said it was ugly. Sprinkle karna hai aapne? Yeah. My. Chocolate. The odd one out. Wait, but Baba has one. Touch. Mama. जी तो यहाँ पे हम सड़कों सड़क ही वापस आ गए। ये थी हमारी ईद और बस इतनी ही होती है हर दफ़ा ईद। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।